उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर सुबह लगभग 90 लाख लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। संसद ने जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने तथा वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रावधान शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग की। ब्राजील की रक्षा फर्म एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और महिंद्रा समूह ने घोषणा की कि उन्होंने भारतीय वायु सेना की नए माध्यम परिवहन विमान की आवश्यकता के जवाब में C-390 मिलेनियम विमान पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने बताया कि देश में आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से रेल पटरियां बिछाई जा रही हैं और 2014 से 2023 तक कुल 30,336 किलोमीटर तक रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और बड़े कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने हरदा जिले के एक पटाखा कारखाने में हुए विस्फोट की घटना के मद्देनजर अधिकारियों को स्थानांतरित करने के एक दिन आईएएस अधिकारी आदित्य सिंह को हरदा का नया कलेक्टर और आईपीएस अधिकारी अभिनव चौकसे को पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया। प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले 9 दिवसीय नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का शुभारंभ 10 फरवरी को सुबह 11 बजे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया जाएगा। आम आदमी पार्टी गुजरात, हरियाणा और गोवा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए 13 फरवरी को अपनी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक करेगी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करोड़ों रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी या ज्ञान की समृद्धि पर केंद्रित है। राष्ट्र सर्वप्रथम।